क्वेश्चन नंबर 11 सेल्स, क्वेश्चन नंबर 12 वाई बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पर अगर हम एक्स बराबर जो है टेन थीटा लिख देते हैं तो 1 माइनस टेन स्क्वायर बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर कॉस 2 थीटा हो जाता है। कॉस 2 थीटा को साइन में बदल सकते हैं, तो मान लिया एक्स बराबर टेन थीटा, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स, वाई बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। वाई बराबर साइन इनवर्स ये कॉस 2 थीटा हो गया। अब साइन इनवर्स से कॉस नहीं खत्म होगा, इसलिए इसको साइन में बदलना पड़ेगा। तो साइन बदलने के लिए हम कह देते हैं साइन इनवर्स साइन 90 माइनस 2 थीटा, साइन 90 माइनस 2 थीटा बराबर कॉस 2 थीटा, या 90 प्लस 2 थीटा भी कर सकते हैं। साइन वन से साइन खत्म, ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। थीटा का मान पाई बाई 2 माइनस 2 और थीटा के ऊपर टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स। अब जो है डी वाई बाई डी एक्स अचल हो गया, ये अचल का उपगण 0 माइनस 2 और टेन इनवर्स एक्स का उपगण 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 2 बटे 1 प्लस एक्स, ये आंसर हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 वाई बराबर साइन इनवर्स 2 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर जब 1 माइनस रहता है ना, तो या तो साइन लिखिए या तो कॉस लिखिए। अगर हम साइन लिख देते हैं, मान लिया एक्स बराबर साइन थीटा, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, वाई बराबर साइन इनवर्स 2 एक्स की जगह पर साइन थीटा, एक्स की जगह पर साइन थीटा, साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस का वर्गमूल कॉस थीटा। वाई बराबर साइन इनवर्स, अब ये हो गया साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन इक्वल टू 2 थीटा, वाई बराबर 2 और थीटा का मान साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। अब जो है डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2 डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स बराबर 2 साइन इनवर्स एक्स का उपगण 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से 2 बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका इसका।